आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, जिसके लिए हमने दो क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से लिखा गया है और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से लिखा गया है। तो आपके सामने दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से उसको बनाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका हम यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसके साथ गुणा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर रहेगा उससे के साथ हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे और जो आएगा उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। चलिए इतना पहले करते हैं। चारतियाँ 12, 12 में दो जोड़ेंगे तो 14, 14 बटे, अब यहाँ पर जो नंबर रहेगा वही लिखेंगे 4, प्लस 6 दुना के 12, 12 में तीन जोड़ेंगे तो 15, 15 बटे 6। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये हर है ना, इसको आपस में बराबर करना है, दोनों हर को आपस में बराबर करना है। तो यहाँ पे किसी ऐसे अंक से गुणा करेंगे अंश और हर में कि दोनों चीज़ें ये बराबर हो जाए। देखिए, अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं और इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12, हर जो है बराबर हो जा रहा है। अभी हम हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने किससे किया, 2 से, तो हम यहाँ पे भी 2 से करेंगे। यहाँ पे किससे किया है, 3 से, तो यहाँ पे भी किससे करेंगे, 3 से। आगे हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 15 × 2 = 30 प्लस 14 × 3 = 42। आगे इसको जोड़ लेंगे, 42 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 / 12। अब 12 में 72 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 × 6 = 72, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 5/2 + 3/4, ये इस रूप में है ही नहीं, ये इसी रूप में है, तो हम इसी को ऐसे ही करेंगे। पहले हम हर देखेंगे कि हर क्या एक जैसा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 है, यहाँ पे 4, दोनों बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 × 4 और ये 4 है ही, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और ये 5 × 10 प्लस ये 3 बराबर, 10 में 3 जोड़ेंगे 13/4। अब 4